हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास ए का चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन 1। सो लेट इट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है, मतलब एक ऐसा सिलेंडर है, उसका हमें नीचे का डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें इसका फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। हाँ, अब देखो 2π की वैल्यू हमें पता ही है, 22/7 लेते हैं। r की वैल्यू देखो, डायमीटर 14 है, डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस। तो रेडियस कितना हो गया? 7। फिर ब्रैकेट में 7 मतलब हाइट कितनी है? हाइट हमें 12 दे रखी है, तो 12 प्लस 7। अब देखो ये क्या हो गया, 22, 7 से 7 कट गया, 22 × 2 = 44, ब्रैकेट में 7 प्लस 12 कितना होता है? 19। तो 44 × 19 कितना हो गया? ये हो गया 836 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 है, फाइंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज टोटल सरफेस एरिया इज 4392 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डायमीटर ऑफ बेस इज 16 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है 4396 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका डायमीटर दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया? 16 को 2 से डिवाइड करें यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पता है, वो होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, हाँ, इक्वल्स टू 4396 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 3.14, इसके आगे और वैल्यू होती है। फिर r की जगह पे क्या पुट करेंगे? 8 ब्रैकेट में हाइट हमें फाइंड करनी है, हाइट हमें पता नहीं, h प्लस रेडियस कितना? 8 इक्वल्स टू 4396 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 × 8 होता है 16, 16 × 3.14 ब्रैकेट में h प्लस 8 इक्वल्स टू 4396 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आता है? 50.26 ब्रैकेट में h प्लस 8 इक्वल्स टू 4396 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड जाके डिवाइड में, तो 4396 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50.26 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से स्क्वायर कट गया और ये इससे डिवाइड होके आता है 87.46। तो h प्लस 8 की वैल्यू आ गई 87.46। अब ये 8 इस साइड प्लस, मैं इस साइड जाके माइनस में, हाँ, तो h की 8 ये क्या हो जाएगा? 87.46 माइनस 8, तो 87.46 माइनस 8 कितना होता है? 79.4 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारी आ गई 79.4 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।